वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। काबीना ने असलहा खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ असलम खान से। असलम खान साहब, बताइए इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, बहुत अहम इजलास हुआ सिंध काबीना का। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड का असला चाहिए। असले की खरीदारी के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए की जरूरत है। काबीना ने फंड मंजूर करके असला खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत असले की खरीदारी के लिए वजारत दाखिला से एनओसी लेगी। ये फैसला किया गया है कि यह एक मुश्तरका और प्री प्लान ऑपरेशन होगा। इसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेंगी। ऑपरेशन आईजी पुलिस अपनी मंसूबाबंदी से शुरू करेंगे। डाकुओं के खिलाफ कच्चे में मुश्तरक ऑपरेशन का फैसला किया गया है। पहले भी ये ऑपरेशन होते रहे, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस और साथ साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। मिलिट्री ग्रेड का असला इस्तेमाल किया जाएगा इस ऑपरेशन में, जिस पर तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे सिर्फ असले की खरीदारी के लिए। काबीना ने ये फंड्स मंजूर कर लिए हैं और सिंध हुकूमत असले की खरीदारी के लिए वजारत दाखिला से एनओसी लेगी। ठीक है, काबीना ने असलहा खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। असलम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।